क्वेश्चन थ्री कहता है कि फोर फिफ्थ ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर, कि नंबर का जो फोर फिफ्थ है वो उसके 2/3 से 10 ज्यादा है, तो आई बनाते हैं इसे, तो इसका हो जाएगा लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर का फोर फिफ्थ क्या होगा, 4/5, तो फोर फिफ्थ मीन्स 4/5 इंटू एक्स, और ये किससे बड़ा है 2/3 से, तो 2/3x, और दोनों के बीच का डिफरेंस है 10, तो 4/5 आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 4x/5 माइनस 2/3x इक्वल्स टू 10। 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे जो कि आएगा आपका 15, 5 3 15, 4 3 12x, 3 5 15, 5 2 10x इक्वल्स टू 10। 15 आपका डिवाइड में है, आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 12x माइनस 10x, दिस विल बी 2x, तो 2x इक्वल्स टू 10 इंटू 15, और x का वैल्यू हो जाएगा आपका 10 इंटू 15 बाई 2, 2 1 2, 2 5 10, 15 5 75, दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 24 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आप 24 को दो पार्ट्स में बांटें, सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, आप फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम्स करेंगे और उसको ऐड करेंगे 5 टाइम्स द सेकंड पार्ट, दिस विल बी 146। देखिए आप यहाँ पास पहले कंसेप्ट क्लियर कर लें कि अगर हमारा 24 है तो इसको हमने फर्स्ट पार्ट में बांटा x, तो हमारा सेकंड पार्ट क्या होगा, 24 माइनस एक्स होगा, और स्टूडेंट्स यहाँ पास लिखते हैं x माइनस 24 जो कि गलत हो जाएगा, ध्यान देंगे सही क्या होगा 24 माइनस एक्स, कि आप फर्स्ट पार्ट को x बोलेंगे और सेकंड पार्ट को बोलेंगे 24 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन क्या करता है, आप लिख लेंगे कि लेट द फर्स्ट पार्ट बी, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया x हो गया, तो सेकंड पार्ट will be 24 minus x। According to question, क्या हमारा question कहता है कि 7 times the first part, आप first part का 7 times कीजिए, तो 7 part क्या होगा 7 into x plus added 2 बोला है, 5 times the second part, तो second part हमारा है 24 minus x, इसका करेंगे 5 times, और ये दोनों जो है सम हो जाएगा इसका 146। अब इसको बस हमको सॉल्व कर देना है, 7 इंटू एक्स 7x प्लस 5 इंटू 24, दिस विल बी 120, और 5 इंटू माइनस एक्स माइनस 5x इक्वल्स टू 146। 7x प्लस में है 5x माइनस में है, तो 7x माइनस 5x 2x, और 120 हमारा प्लस में है, ये जाएगा RHS में, तो हो जाएगा माइनस में, तो 146 माइनस 120, तो 2x इक्वल्स टू 6 माइनस 0 6, 4 माइनस 2 2, तो 26। x का वैल्यू आ जाएगा यहां से आपका 26/2, यहां पर कट के हो जाएगा 13, तो x का वैल्यू आया 13। इसके बाद हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो x था, तो फर्स्ट पार्ट ये x है, तो आपका आंसर हो गया 13, और सेकंड पार्ट निकालना है, तो सेकंड पार्ट दिस विल बी 24 माइनस एक्स, तो 24 माइनस 13, और आपका हो गया आंसर 11, तो दो आंसर आपका है 13 और 11। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5, कौन सा नंबर है जिसके फिफ्थ पार्ट को 5 बढ़ाएं, तो वो इक्वल्स होगा फोर्थ पार्ट डिमिनिश बाय 5, कि फोर्थ पार्ट को आपको फोर्थ लिखा हुआ, कि आपको फोर्थ पार्ट को 5 डिमिनिश करना है, 5 कम करना है, और फिफ्थ पार्ट को 5 बढ़ाना है, इसे बनाएंगे हम लोग सॉल्यूशन, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन क्या कहता है कि आप फोर्थ पार्ट को, तो फिफ्थ पार्ट क्या होगा, फिफ्थ पार्ट हो जाएगा आपका x बाई 5, जैसे नंबर आपका x है तो उसका फिफ्थ पार्ट जो होगा वो हो जाएगा 1/5 इनटू x, तो दिस विल बी x बाई 5, तो आपको फिफ्थ पार्ट को बढ़ाना है 5, तो फिफ्थ पार्ट में हम 5 ऐड कर दिए, इक्वल्स टू वो किसके बराबर है फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट हो जाएगा आपका x बाई 4, और इसे 5 डिमिनिश करना, डिमिनिश कर देंगे, और इसे आप सॉल्व करेंगे x by 5, x by 4 को आप एक तरफ कर लेंगे, x वाले टर्म को, और 5 5 को एक तरफ कर लेंगे, ये जो 5 आपका है वो LHS में आके प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 5, और ये आपका हो जाएगा x by 4 माइनस x by 5,
5 5 10 हो जाएगा आपका, और 4 और 5 कैल्सियम यहाँ पे आएगा 20, तो 4 5 20, 5 × x 5x, और 5 4 20 4x, तो 20 आपका डिवाइड में 20 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 10 × 20 और दिस विल बी योर 5x − 4x x, तो आपका आंसर हो जाएगा x = 200। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5:6, 3 नंबर रेशियो में है, तो रेशियो जो आपका है वो है 4:5:6। इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट नंबर है, एंड द स्मॉलेस्ट, तो आपका इसमें लार्जेस्ट हो जाएगा 6x, आप मान लेंगे लेट द 3 नंबर्स बी 4x 5x एंड 6x, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो सम है इक्वल्स द सम ऑफ 3rd एंड 55। आप लार्जेस्ट को ऐड करेंगे, स्मॉलेस्ट को ऐड करेंगे, तो वो इक्वल्स होगा 3rd नंबर के और प्लस 55 के, तो फाइंड द नंबर, तो लेट द रिक्वायर्ड, लेट द 3 नंबर्स बी 4x 5x एंड 6x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट कौन हो जाएगा इसमें आपका 6x, स्मॉलेस्ट कौन है प्लस 4x, तो ये आपका इक्वल होगा 5x, थर्ड नंबर आपका कौन बचा 5x प्लस 55, 6x प्लस 4x दिस विल बी योर 10x, और 5x आपका प्लस में है या जगह माइनस में, तो 10x माइनस 5x इक्वल्स टू 55, 10x माइनस 5x 5x इक्वल्स टू 55, x का वैल्यू आ जाएगा 55/5 और ये आपका आ जाएगा 11, तो हमारा फर्स्ट x का वैल्यू आया 11, तो फर्स्ट नंबर आपको हो जाएगा 11 4 44, सेकंड नंबर 55, थर्ड नंबर 66, तो रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर्स फर्स्ट आपका है 4x 5x 6x, तो 4 × 11 5 × 11 6 × 11 11 4 = 44 11 5 = 55, 11 6 = 66, ये आपका हो गया आंसर। इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, अगर हम 10 को ऐड करते हैं 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर किसी नंबर में, रिजल्ट इज, जो रिजल्ट आएगा 5 लेस देन, ये आपका रिजल्ट है 5 टाइम्स द नंबर, फाइंड द नंबर, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, तो आपका क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स, अगर नंबर आपका x है तो उसका 4 टाइम हो जाएगा 4x, तो 4x प्लस 10, हमने 4 टाइम्स में 10 ऐड किया तो जो रिजल्ट होगा वो 5 लेस है 5 टाइम्स नंबर, तो 5 टाइम्स हो जाएगा 5x और लेस 5, इसे आप सॉल्व कर ले, 4x प्लस में है इसको लाएंगे RHS में, तो ये आपको हो जाएगा 5x − 4x, और माइनस 5 है जाकर तो होगा प्लस में, तो 10 + 5, तो दिस इज योर 15 एंड ये आपका हो जाएगा x का वैल्यू, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है, टू नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5, दो नंबर के बीच का रेशियो है 3:5, इफ ईच इज इंक्रीज बाय 10, अगर आप दोनों को बढ़ाते हैं 10, तो रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर, जो नया रेशियो आएगा वो आपका आएगा 5:7, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो क्या करेंगे, लेट द टू नंबर्स बी, लेट द टू नंबर्स बी 3x एंड 5x, ये आपका हो गया रिक्वायर्ड नंबर, यहां से आप 3x 5x कर लें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपसे क्या बोला है कि दोनों नंबर को आप 10 बढ़ाओ, तो आप क्या करोगे 3x प्लस 10 एंड 5x प्लस 10, तो जो आपका न्यू रेशियो है वो है 5:7, तो आप रेशियो को लिख लेंगे फ्रैक्शन में, हो जाएगा 5/7, अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 × 3x + 10 एंड 5 × 5x + 10, हमने क्या किया यहाँ पास, यह क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 3 = 21x प्लस 7 10 = 70, 5 × 5 = 25x, 5 10 = 50, 21x प्लस में है इसको लाएंगे, तो 25x − 21x और 50 आपका प्लस में जाके माइनस होगा, 70 − 50, ये आपका आ गया 20, यहाँ पे 4x, x का वैल्यू हो जाएगा 20/4, जो आपका कट के आएगा 5, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या था आपका, फर्स्ट नंबर है 3x, तो फर्स्ट
नंबर 3x, तो 3 इंटू 5 ये आपका हो गया 15, और जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर 5x, 5 इंटू 5 25, आंसर 9. क्वेश्चन नंबर, फाइंड द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यहां होगा फाइंड द, इसमें फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स व्हिच सम इज 147. आपको कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कि आपको बताना है ऐसा 3 लगातार ऑड नंबर्स जिनका सम आएगा 147. तो लेट द 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बी, हम 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मानेंगे, हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा x, तो दूसरा नंबर जो होगा आपका होगा x प्लस 2, और थर्ड नंबर होगा x प्लस 4. आपको यहां पास गलती नहीं करना स्टूडेंट्स, कि अगर आप फर्स्ट नंबर को x मानते हैं तो आपका कंसेक्यूटिव ऑड है, यहां पास कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, तो जब कंसेक्यूटिव ऑड है तो आपका फर्स्ट नंबर x है, तो नेक्स्ट नंबर होगा x प्लस 2 और थर्ड नंबर होगा x प्लस 4, और तीनों का जो सम है आपका लिखा है 147. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, और इसका सम आपका है 147. तो x प्लस x, टोटल कितना x है, x प्लस 3x, और 4 प्लस 2 6, तो 3x प्लस 6 इक्वल टू 147. तो 3x इक्वल्स टू 147 माइनस 6, x इक्वल टू 147 में से 6 माइनस करेंगे आपका आएगा 141 डिवाइडेड बाय 3, 3 से कट करेंगे, 3 4 जा 12, 2 बचेगा यहां पास, और 3 7 जा 21, तो फर्स्ट नंबर आपका आ गया 47. तो जब आपके x का वैल्यू 47 है, तो आप यहां पुट कर लोगे कि जब आपका x 47 होता है तो इसका जो वैल्यू हो गया आंसर 47, और ये आपका x प्लस 2, तो 47 प्लस 2 49, और x प्लस 4 47 प्लस 4 51, तो ये आपके यहां रिक्वायर्ड नंबर. क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर व्हिच सम इज 234. ये क्वेश्चन हमारा 9th के जैसा ही है, लेकिन यहां पास है इवन नंबर, तो आप इसमें भी जो करेंगे गाइस, आप x, x प्लस 2, x प्लस 4, ऑड और इवन में कोई चेंजेस नहीं होता. जैसे पूछता आपसे ऑड कंसेक्यूटिव फर्स्ट नंबर x, x प्लस 2, x प्लस 4, और इवन में भी आप लिखेंगे x, x प्लस 2, x प्लस 4. सो लेट, तो हमारा 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर जो है, हमने माना है x, x प्लस 2, x प्लस 4, और इनका सम है 234. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस x प्लस 2, ये हमारा सेकंड नंबर है, प्लस x प्लस 4, ये थर्ड है, आपका आएगा 234. तो टोटल आप काउंट कर देंगे x, 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 3x, और 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, इक्वल्स टू 234. 6 आपका आ जाएगा माइनस में, 3x इक्वल टू 234 माइनस 6, दिस विल बी योर 3x इक्वल टू 228, x इक्वल्स टू 228 बाय 3, 3 7 जो 21, कैरी बचा 1, 3 6 18, तो आपका x का जो आंसर आया है वो है 76. तो आपका जो फर्स्ट नंबर है वो आपका x था, तो ये हो गया 76. सेकंड नंबर आपका है x प्लस 2, तो 76 प्लस 2 78, और थर्ड नंबर आपका x प्लस 4, 76 प्लस 4 80, तो दिस इज योर आंसर. माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सरसाइज 8B का पार्ट 1 है. पार्ट 1 में हम 1 से 10 तक के क्वेश्चन को किए हैं, आने वाले एपिसोड में हम लोग इसके बाद का क्वेश्चन करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एजुकेशन प्लैनेट, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड. आप अपने स्टडी को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा टाइम जो अपने पढ़ाई में बिताएं. दैट्स ऑल, थैंक यू.